नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमने कॉर्न लिए है, तरोताजा के कॉर्न लिए। आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हो। कॉर्न लिए हमने एक बाउल में, उसमें कॉर्न फ्लोर ऐड किया है हमने। इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स किया है हमने। कोडिंग कर रहे हैं कॉर्न के, कॉर्न फ्लोर की कोडिंग की है हमने। अच्छे से कोडिंग करेंगे एक बाउल में मिला के। बहुत ही आसान रेसिपी है क्रिस्पी कॉर्न बनाने की। बड़ी आसानी से आप घर पे बना सकते हो इसको। अच्छे से कोडिंग कर ली है हमने। ओपन तो ये हमने फ्राई पैन में ऑयल को अच्छे से गरम करके उसमें कॉर्न को फ्राई कर लिया अच्छे से। और देखिए हमारे कॉर्न अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। पांच मिनट तक हम अच्छे से मीडियम गैस फ्लेम आंच से फ्राई करेंगे इनको। धीरे धीरे पकते रहेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्न अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनको चलाएंगे नहीं वरना इनकी कोडिंग निकल जाएगी, इसलिए आपको कॉर्न को चलाना नहीं है, बस छोड़ के अच्छे से फ्राई करना है। अक्सर लोग इसको चलाते रहते हैं जिससे उसकी कोडिंग निकल जाती है। देखिए हमारे कॉर्न अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमने शिमला प्याज पत्ता गोभी की अच्छे से कटिंग कर ली है, थोड़ी बड़ी बड़ी कटिंग करी है। शिमला प्याज पत्ता गोभी तीन चीजों की कटिंग करी है अच्छे से, थोड़ी बड़ी बड़ी साइज में कटिंग करना है। एक फ्राई पैन लिया, उसमें हल्का सा ऑयल लेके सारे वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। देखिए सारा वेजिटेबल अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। देखिए हमारा वेजिटेबल अच्छे से फ्राई कर लिया हमने 60% तक। इसमें कॉर्न को ऐड कर दिया है हमने। देखिए कॉर्न को ऐड कर रहे हैं जो हमने फ्राई किया था वो। सारे कॉर्न ऑयल से निकाल के हमने वेजिटेबल में ऐड कर दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, अजीनोमोटो, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, वेनेगर ऐड किया गया है। वो मिस्टेक हो गई है बोलने में। सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा चला के सबको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जीरावन ऐड करेंगे आखिरी में टेस्ट के लिए, इससे थोड़ा टेस्ट अपना चटपटा हो जाता है। ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है।